नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। नेपा नगर में क्या महिला कैंडिडेट पर महाभारत छिड़ गई है? जहां चर्चा है कि कांग्रेस नेपा नगर से पूर्व बीजेपी विधायक मंजू दादू को तोड़ सकती है, सियासत तो तब और भी गर्मा गई जब कांग्रेस के घर से यह खबर आई कि एक बीजेपी नेत्री टिकट के लिए कांग्रेस के संपर्क में है। और फिर इन सारे कयासों पर बीजेपी ने वीडियो संदेश के जरिए लगाया विराम और किया पलटवार। अब सवाल है कि क्या नेपा नगर में वोटर देखेगा महिला बनाम महिला उम्मीदवार की सियासी जंग? रिपोर्ट देखिए। नेपा नगर में कांग्रेस के पास दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। 10 से 12 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन नेपा नगर की सियासी गलियारों में अब एक नई चर्चा है और वो है महिला कैंडिडेट पर छिड़ी महाभारत की। कांग्रेस से बीजेपी में गई सुमित्रा कास्टेकर की कार्ड, क्या कांग्रेस बीजेपी की दिग्गज महिला नेत्रियों को तोड़कर निकालेगी? नेपा नगर में इस बात की चर्चा जोरों पर है। चर्चा ये कि कांग्रेस बीजेपी की पूर्व विधायक मंजू दादू को तोड़ सकती है। अभी यह बात तो हमारे एक रणनीति के तौर पर हमारे जो वरिष्ठ जन है वो कार्य कर रहे हैं, आने वाली परिस्थितियां बताएंगे कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है। चर्चाओं का बाजार यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी फहरिस्त में एक और नाम गूंज रहा है और वो है खकनार जनपद पंचायत की अध्यक्ष निर्मला जावरकर का। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की निर्मला जावरकर कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि बीजेपी की निर्मला जावरकर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही है। उनकी तरफ से भी टिकट की इच्छा व्यक्त की गई है, वो भी हमारे लोगों के साथ संपर्क में है। अब देखो आगे रणनीति हमारे वरिष्ठ जन क्या तय करते हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड है। इन नामों की चर्चा ने नेपा नगर के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। सवाल है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की कद्दावर नेत्रियों को तोड़कर उसे जोर का झटका देने वाली है? इन चर्चाओं की खबर बीजेपी के घर भी पहुंची और फिर वीडियो संदेश के जरिए इन सारे कयासों पर बीजेपी ने विराम लगा दिया, जहां पूर्व विधायक मंजू दादू और बीजेपी की निर्मला जावरकर ने कहा वो बीजेपी के साथ है। सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कुछ भ्रमित न्यूज और पत्रकारों के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें सुनी है कि मैं अन्य दल में जाकर उनका दल अपनाना चाहती हूँ, तो ये सारी खबरें गलत है। मैं हमेशा शिवराज जी के साथ थी, शिवराज जी के साथ हूँ और शिवराज जी के साथ रहूंगी। भाइयों बहनों, आप सभी ने सुना होगा 4 तारीख की न्यूज कि निर्मला जावरकर जी कांग्रेस का दामन थामने वाली है। ये न्यूज गलत है। वास्तव में फोन आए थे मगर मुझे नहीं जाना है। नेपा नगर और मांधाता सीट की कमान संभाले बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इसे कांग्रेस का भ्रम बता रहे हैं, जिनका आरोप है कि कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नेपा नगर से मिल ही नहीं रहा। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हमारे पार्टी की 2 महिला नेत्रियों के बारे में, बेटी सुश्री मंजू दादू और हमारी बहू श्रीमती निर्मला प्रकाश जावरकर को लेकर अखबारों में जिस तरीके से छपवाया गया उसका खंडन वीडियो के माध्यम से दोनों ने कर दिया है। अब कांग्रेस की बात करें तो यहाँ रामकिशन पटेल, अंतर सिंह बर्डे और नंद किशोर भांडे के नाम की चर्चा जोरों पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या कांग्रेस को महिला कैंडिडेट की तलाश है? जहां 12 दावेदारों की लिस्ट में बबीता बासकले ने अपना दावा पेश किया है जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती है, कांग्रेस से एकमात्र महिला दावेदार
जो दावा पेश करने के साथ ही प्रचार में जुट गई हैं। हाँ, मैंने कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदार रखी नेपा नगर क्षेत्र से। महिला कैंडिडेट पर छिड़ी इस महाभारत को समझने के लिए नेपा नगर के सियासी समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। असल में नेपा नगर में कोरकू समाज के 70,000 वोट है। सुमित्रा काजडेकर भी कोरकू समाज से ताल्लुक रखती है। ऐसे में सवाल है कि क्या सुमित्रा कास्टेकर की कार्ड के लिए कांग्रेस कोरकू समाज की महिला उम्मीदवार की तलाश कर रही है। ये चर्चा जोरों पर है। अभी यह बात तो हमारे एक रणनीति के तौर पर हमारे जो वरिष्ठ जन है वो कार्य कर रहे हैं। आने वाली परिस्थितियां ही बताएंगी कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है। नेपा नगर में पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस से सुमित्रा देवी कास्टेकर ने बीजेपी की मंजू दादू को हराया था। अब सुमित्रा कास्टेकर बीजेपी की हो गई। अब सवाल है कि क्या इस उपचुनाव में फिर से नेपा नगर देखेगा महिला उम्मीदवारों के बीच सियासी जंग, ये देखना दिलचस्प होगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों से जीता जाएगा क्या 27 का रण? बीजेपी का मिशन 16 ग्वालियर चंबल के मैदान में केंद्र से लेकर प्रदेश तक के मंत्रियों की तैनाती, पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ताओं पर नजर। एक एक विधानसभा सीट पर संभावित उम्मीदवारों से पहले कार्यकर्ताओं से संवाद, बीजेपी का क्या है प्लान, देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच भी बीजेपी का मिशन 16। पार्टी की चिंता यहां मतदाता से पहले अपना कार्यकर्ता है। 27 सीटों में ग्वालियर चंबल की 15 सीटों पर ये कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर पार्टी के नए मेहमानों की ताकत बनकर खड़ा हो गया तो बीजेपी आधा इम्तिहान जीत लेगी। क्या यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक कार्यकर्ताओं को फोकस कर ग्वालियर चंबल में मैराथन बैठकें कर रहे हैं? शिवपुरी की पोहरी विधानसभा सीट का नजारा ये है। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं। कोशिश ये भी कि अगर कहीं कैसी भी सेंध बाकी हो तो समय रहते उसे भरा जा सके। सरकार का जो प्रचार है और जिसको लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के पक्ष में लगातार काम। बाकी ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में उतरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कमलनाथ सरकार पर भी हमलावर दिखे। कांग्रेस पहले वचन पत्र लेके आई थी तो वचन पूरा नहीं किया, अब संकल्प पत्र लेके आई है तो संकल्प पूरा कैसे होगा, क्योंकि अब तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। कांग्रेस का काम है सिर्फ जनता को गुमराह करना और अपना काम चला। केंद्रीय मंत्री के साथ विधायक, सांसद और शिवराज सरकार के मंत्री भी संभाले हुए हैं मोर्चा। जातिगत समीकरण देखकर की जा रही है मंत्रियों विधायकों की तैनाती। मुरैना की 5 सीटों पर बीजेपी की खास निगाह है। यहां के ओबीसी वोटर कुसाद ने, खुद राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने संभाला है मोर्चा। अगर नदियों के छीने को अगर छीनने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार में किया है, और सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन अगर किसी समय हुआ है तो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ है। वो लाहौर में भी हुआ है, वो भिंड में भी हुआ है। भिंड में डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा के जरिए कांग्रेस भी अवैध उत्खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में। इस दंगल में छलनी हुई चंबल भी चुनावी मुद्दा बने। और हम लगातार, आज हम नहीं मानते कि ये आज की हमारी यात्रा से जरूर नहीं कि हमें सफलता मिले, लेकिन हमारा संघर्ष जब तक ये हम रोक नहीं पाएंगे तब तक लगातार समय बदल के चुनाव के बाद चलेंगे। हालांकि नदी बचाओ यात्रा पर बीजेपी का पलटवार ये कि सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन तो कांग्रेस की ही सरकार में हुआ। अवैध उत्खनन अगर किसी समय हुआ है तो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ है। वो लाहौर में भी हुआ है, वो भिंड में भी हुआ है, वो दतिया, वो समूचे प्रदेश में हुआ है। अब गोविंद सिंह जी अपनी उन चीजों को छिपाने के लिए, दबाने के लिए ये एक अपन जी कहेंगे एक दिखावा, और ढोकला यात्रा का जो 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 संगुपा जो रच रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई उन्हें सफलता इसलिए नहीं मिलेगी कि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने ये स्वीकार किया, और काम वो ही करते थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि मेरे बस की बात नहीं है अवैध उत्खनन को रोकना, तो उनको क्या क्या अधिकार है कि वो यात्रा निकालें, वो भी तो सरकार मंत्री रहे थे।
असल में 27 सीटों के उपचुनाव में सबसे अहम है एक मुश्त ये ग्वालियर चंबल की 16 सीटें। कांग्रेस और बीजेपी का पूरा दांव इन्हीं 16 सीटों पर है। जो ये जीत गया 27 का रण भी वही जीतेगा। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार और शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। सांवेर में उपचुनाव से पहले सौगातों की बारिश, वोटर का दिल जीतने के लिए आस्था का कार्ड। सांवेर सीट पर सुनाई दे रहा है बीजेपी का हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे। 2400 करोड़ की सिंचाई परियोजना से पहले बीजेपी बना रही है माहौल। क्या ये कांग्रेस के हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान की काट है? क्या ये आस्था भी सियासी है? सांवेर में अब गूंजेगा हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे। उपचुनाव से पहले सांवेर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां सांवेर के उज्जैनी में नर्मदा शिप्रा संगम पर साधु संतों के साथ बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की। भक्ति के रंग में सभी रंगे नजर आए। आप जल्दी से हमारे सांवेर क्षेत्र में पधारें। सवाल है कि क्या सांवेर में आस्था के जरिए वोटर के दिल में जगह बनाने की सियासी पार्टियां कोशिश कर रही हैं? क्या बीजेपी का ये दांव कांग्रेस के हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान की काट है? पहले ये समझ लेते हैं आखिर सांवेर की सूरत संवारने के लिए कौन सा भागीरथ प्रयास किए जाने का दावा किया जा रहा है। जहां इस संगम में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके नर्मदा के जल को कलश में भरकर सेक्टर प्रभारियों को सौंपा गया। अब सेक्टर प्रभारी के जिम्मे है वो नर्मदा जल से भरे इन कलश को घर घर ले जाए, जहां पहले से ही रथ तैयार किए गए हैं। एलईजी भी तैयार है जिस पर सरकार की योजनाओं को सांवेर विधानसभा के गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। आज हमने यहां से मां नर्मदा और छिपरा संगम स्थल से हर सेक्टर में मां नर्मदा का पवित्र जल पहुंचाने का से शुरुआत की है। ये जल अब सांवेर विधानसभा के 314 पोलिंग बूथों तक पहुँचेगा। इस अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। कलश को लेकर महिलाएं सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सभी 314 बूथों पर जाएंगी और लोगों को बताएंगी कि बीजेपी की सरकार ने हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम किया। सवाल है कि क्या 2400 करोड़ की सिंचाई योजना के भूमि पूजन से पहले बीजेपी माहौल बना रही है? उपचुनाव से पहले ये सौगात सांवेर को मिलने वाली है। प्रदेश की पहली ग्रामीण विधानसभा जिसमें हर घर में पहुंचेगा नर्मदा का जल, बीजेपी ये दावा कर रही है। और इन 314 पोलिंग बूथों पे हमारी जो माता और बहने हैं वो सिर पर कलश रख कर अपने संपूर्ण गांव में उसका भ्रमण करेंगी, कलश यात्रा निकलेंगे। कलश यात्रा के बाद में मां नर्मदा का पूजन होगा, मां नर्मदा का गान होगा। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पलटवार करते कह रही है बीजेपी इस योजना का श्रेय क्यों ले रही है? इस योजना की घोषणा तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में हुई थी। जब योजना उस समय बनी, घोषणा इन्हीं तुलसी सिलावट जी जब मंत्री थे, ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और मंच के माध्यम से वो और मैं दोनों उस मंच में थे। हम मेरे सामने, मैं खुद स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने घोषणा भी करी थी उसी मंच से। तो आज वो किसी की भी कहे उसे कहने से कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, जिसका भूमि पूजन पहले कर चुके हो, जिसकी आप पहले ही लोगों को ख्वाब दिखा चुके हो, आज नए सिरे से अगर आप कुछ ढोंग ढंग बतूरा कर भी लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता बहुत समझदार है। सांवेर के सियासी घमासान में धार्मिक कार्ड के साथ क्या समाज को साधने की भी कोशिश की जा रही है? सांवेर में क्या जातिगत समीकरण को साधने में कांग्रेस लगी है? जहां सांवेर में कलचूरी जयसवाल समाज के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल एक्स-सीएम कमलनाथ से मिला। सांवेर में बीजेपी का हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान, इसके जवाब में कांग्रेस का हर हर गंगे घर घर गंगे।
फिर राम मंदिर के नींव पर सावेर में लड्डू बंटवाने का बीजेपी का मीठा सियासी हथकंडा, और इसका जवाब कांग्रेस ने भोलेनाथ का प्रसाद बंटवा कर दिया। अब बीजेपी का हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे अभियान और कांग्रेस का समाज को साधने की कवायद। आखिर सावेर में वोटर किस धारा में बहेगा? क्या आस्था के सियासी कार्ड से पार्टियों का बेड़ा पार लगेगा? ये देखना अभी बाकी है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगर मालवा में सड़क से सियासत नहीं बल्कि सड़क पर शुरू हुई है सियासत। फोरलेन पर सियासी वार। इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन करने की मांग। आगर मालवा में फोरलेन का चुनावी मुद्दा किस सियासी दल की मुश्किलें बढ़ाएगा? वैसे क्रेडिट की होड़ में भी है। एमपी को मिली सड़कों की सौगात में बीजेपी इस मार्ग के चौड़ीकरण किए जाने का क्रेडिट ले रही है और उपचुनाव में उसे भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पूछ रही फोरलेन का सवाल। आगर मालवा की चुनावी सियासत सड़क पर है। आगर मालवा में लगे ये फ्लैक्स क्या इस बात का संकेत है कि इस बार इस विधानसभा सीट पर फिर से फोर लेन का मुद्दा गर्मा सकता है? वो फोर लेन का मुद्दा जो पिछले 20-25 साल से सियासी पार्टियों के लिए क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? ये आरोप तो खुद आगर मालवा का वोटर लगा रहा है। आरोप ये कि कोई भी सियासी पार्टी हो वो चुनाव से पहले फोर लेन का झुंझुना जनता के हाथ पकड़ा देती है, लेकिन आखिर में वोटर के हाथ सिर्फ ये गड्ढे ही लगते हैं। सुनिए ये आरोप। ये सब आम जनता को मतलब गुमराह किया जाता है कि ये जो गोल्ड लोन बनाया जाएगा इसको, और चुनाव के समय वादा करते हैं और वोट ले लेते हैं, बाद में कहते हैं अभी जो गोल्ड लोन आया था वो गोल्ड लोन भी यहाँ से कहीं चला गया है, और ये सबसे सीधा रोड है अपने इंदौर कोटा के लिए आने के लिए। अब इसको क्या टू लेन में समझा दिया गया है? जनता से वादे किए जाते हैं, वापस कुछ भी काम नहीं किया जाता है इसके ऊपर। तो जनता ने बहुत अच्छा किया ना, जनता तो परेशान हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, वो जनता ये जान चुकी है। और किसी पार्टी वाले ने नहीं लगाया, आपने देखा होगा आम जनता ने फ्लेक्स टांग दिए इनके फ्लेक्स के बराबरी से, और इनको तनकीद कर रहे हैं, इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आगर मालवा सीट पर ऐसे ही बैनर लगाए गए हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में उज्जैन से चवली के मार्ग को फोरलेन करने की मांग तेज हो रही है। दरअसल इस मार्ग को मरम्मत की दरकार है। वोटर ये सवाल कर रहा है, सवाल तो ये भी, यहाँ गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे? ये मार्ग संकरा है जिसके कारण यहाँ दुर्घटना का शिकार लोग हो रहे हैं। आवाजाही इस मार्ग पर ज्यादा है, दौड़ते भागते इस रोड पर मौत भी तेज रफ्तार से दौड़ती है, एक्सीडेंट यहाँ आम बात है। बुरी हालत है, जगह जगह उज्जैन से लगा के सोएब तक गड्ढे गड्ढे हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो डेली एक्सीडेंट होते हैं। अब फोर लेन के इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। यहाँ हाल ही में एमपी को सड़कों की सौगात मिली जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है। जी, जैसा कि ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं, उसमें आगर से होता हुआ उज्जैन झालावाड़ टू लेन भी शामिल है, जिसमें 504 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत हुए हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगर का जो रोड है, आगर उज्जैन का जो आगर जिले को जोड़ता है उज्जैन से, वहाँ कई पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आज से 15-16 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो लोग ये नहीं बता पाते थे कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। उस स्थिति से निकालने का काम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया जब यहाँ पे पहला स्टेट हाईवे आया। वही कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, वो तो फोर लेन नहीं बनने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। सुनिए जरा, 15 साल से आपने हमारे आगर मालवा में क्या दिया? कुछ नहीं, 0-0। जब भी इलेक्शन आता है तब कोई नया शिगोफा छोड़ा जाता है। मैं वादा करता हूं, यदि हमारी सरकार बनी और हमारा विधायक यहां से जीतता है तो इसको फोर लेन पीडब्ल्यूडी से
कांग्रेस पार्टी बना के देगी, अन्यथा हम 3 साल बाद वोट मांगने नहीं आएंगे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको ये बता दें, अगर मालवा का वोटर इन सियासी पार्टियों से इत्तेफाक नहीं रखता, वोटर का आरोप है कि कोई भी सियासी पार्टी हो उनके लिए 4 लेन का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने का सियासी हथकंडा रहा है। अब तक 50 साल से रेलवे का इंतजार इंतजार ही है और 4 लेन क्या खौफ बनकर रह जाएगा, ये सवाल वोटर पूछ रहा है। वादा करते हर सरकार कि हम ये कर देंगे या तो रेलवे लाइन डलवा देंगे, आज तक रेल लाइन नहीं आई है। 50 साल से मांग चल रही है कि रेल लाइन आ जाएगी, यहाँ पे रेल लाइन नहीं आई है। और रोड का भी वादा किया था बीच में कि यहाँ 4 लेन रोड हो जाएगा, वो रोड भी नहीं। बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर सियासत की गाड़ी अक्सर बेपटरी हुई है। अब सवाल है कि 4 लेन का ये मुद्दा किस सियासी पार्टी की राह में मुश्किल पैदा करेगा। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।